नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड 19 से जंग के लिए आयुष मंत्रालय ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, आयुर्वेद औषधियां रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। हॉल में क्षमता से 50% दर्शकों को ही मिलेगी अनुमति। कुंभ मेले में संतों और अखाड़ों का सहयोग लेगी सरकार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ के दौरान कोविड 19 से बचाव पर दिया जोर। सुरक्षा और चिकित्सा के होंगे पुख्ता इंतजाम। और केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। कर्मचारियों और पुजारी की भी होगी सैंपलिंग। घोड़े खच्चर स्वामियों की गौरीकुंड में 8 अक्टूबर को होगी कोरोना जांच। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयुष मानक उपचार प्रक्रिया जारी की है। इसमें कोविड 19 महामारी से बचाव के एहतियाती उपायों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयुष मंत्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर इन दिशा निर्देशों का उन्नयन किया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये पुष्टि हुई है कि अश्वगंधा, लौंग और गिलोय जैसी औषधियां सूजन कम करने, एंटीवायरल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है, जिससे कोविड 19 से बचाव में भी मदद मिलती है। आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख हम सब जानते हैं कि वेदों में है। और जैसा कि हम सब जानते हैं तो कहते हैं कि अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस महीने की 15 तारीख से देश में सिनेमा हॉल को शुरू करने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया आज जारी की। नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा, मास्क लगाना होगा और उसके साथ सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। कोरोना के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने वाली एक मिनट का अनाउंसमेंट या तो शो से पहले या मध्यांतर के पहले या बाद में करना होगा। आ सकेंगे, एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बटने की व्यवस्था होगी। टेम्परेचर भी सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23-25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं और उसके बाद एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेला 2021 की समीक्षा करते हुए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बरकरार रखते हुए कोविड के दृष्टिगत सुरक्षित आयोजन किया जाना है। इस संबंध में अखाड़ों के संत महात्माओं का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कुंभ के सभी स्थायी प्रकृति के काम दिसंबर तक पूरे करने के निर्देश भी दिए, साथ ही अस्थायी कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव हर सप्ताह कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी काम समय पर पूरे हो, इसके लिए 2 शिफ्ट में भी काम किया जा सकता है। बैठक में मेलाधिकारी दीपक रावत ने कुंभ मेले के विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। लगभग 493 चिकित्सकों की व्यवस्था की जा रही है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को 23 सेक्टर में विभाजित किया गया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। ऋषिकेश और हरिद्वार में इस कूड़े को तत्काल अगले कुछ दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके इसके निस्तारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इस पर लगभग 35 करोड़ का खर्चा आने की संभावना है। जो कार्य हमारे नवंबर तक पूरे होने थे, उन कामों की जो प्रोग्रेस है उसे मुख्यमंत्री जी ने जाना
और उस संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए कि वो काम तत्काल अगर किसी कारण से कुछ डिले हैं तो वो किसी भी रूप में दिसंबर के बाद कोई भी कार्य चाहे वो सड़क तक संबंधित है नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के अर्धनगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए 91 करोड़ की धनराशि मंजूर की है। ये धनराशि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कई योजनाओं के लिए विकास और प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने डोईवाला की प्रतीत नगर पेयजल योजना के लिए 25 करोड़ 65 लाख की धनराशि मंजूर करने के लिए सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के सोनगांव स्थित रण ज्योति ताल के पुनर्जीवीकरण और कनालीचीना में टिटरी नहर के पुनरुद्धार के लिए धनराशि मंजूर की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत 3 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी है। इस धनराशि से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग के स्तर पर महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उत्पादन स्वीकृत किए जाने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों के संचालन के लिए 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से स्मार्ट सिटी के कार्यों को गति मिल सकेगी। केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए कोविड 19 के नियमों के पालन के लिए निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि यात्रा व्यवस्था में तैनात कार्मिकों की प्रत्येक 15 दिन में सैंपलिंग की जाए। इसके अलावा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित हो और केदारनाथ धाम में तैनात पुजारी की प्रत्येक दिन पूजा के बाद रक्तचाप, ऑक्सीजन और थर्मल स्कैनिंग की जाए। जिलाधिकारी ने केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर संचालित हेलीपैडों की प्रतिदिन जांच करने के आदेश हेली सेवा के नोडल अधिकारी को दिए। वाहन चालकों का प्रत्येक माह सैंपलिंग की जाएगी। उधर गौरीकुंड में 8 अक्टूबर को घोड़े खच्चर स्वामियों तथा हॉकर्स की कोविड 19 सैंपलिंग की जाएगी। इस बाबत जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को परीक्षण टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। अनलॉक 5 के बाद टिहरी जिले के पर्यटन स्थलों में रौनक लौटने लगी है। जिले के धनौल्टी, मुनि की रेती, तपोवन के साथ साथ टिहरी झील में पर्यटकों की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। टिहरी झील में बड़ी संख्या में पर्यटक बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी पर्यटकों के लिए कोविड 19 गाइडलाइन के मुताबिक धनौल्टी, मुनि की रेती क्षेत्रों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के प्रवेश द्वार भद्रकाली और सुवाखोली में थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। सुवाखोली हमने 2 ऐसे मेजर एंट्री पॉइंट्स जिले में चिन्हित किए हैं, वहां पर टीम उपस्थित है, मेडिकल टीम, उसके अलावा प्रशासन और पुलिस की, जो थर्मल स्क्रीनिंग से लोगों को टेस्ट कर रही है। उनको कोई तरीके की वहां समस्या ना हो, लंबी लाइन ना लगे, जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, तो इसीलिए हम जिसको सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है थर्मल स्क्रीनिंग में, उनको ही हम वहां पर सैम्पलिंग लेकर के उनका टेस्ट कर रहे हैं। वहीं साहसिक पर्यटन अधिकारी सोबत राणा ने बताया कि जिले के 90% से अधिक होटलों में पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है। सभी होटलों में कार्यरत कर्मचारियों की नियमित रूप से सैंपलिंग कराई जा रही है। इसके अलावा कोविड 19 की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। गाइडलाइन के उपरांत जो है जनपद टीरी के 90% से ऊपर के हमारा होटल, लॉज, होम स्टे से सब संचालन में कुछ 5-10% नहीं खोल पाए, लेकिन अब वो सारे संचालन में हो गए। और लास्ट इस वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे पूरे जनपद में ऑलमोस्ट 90% सारे होटल्स पैक थे। एडवेंचर की सारी एक्टिविटीज शुरू हुई, रिवर राफ्टिंग, बोटिंग और जो भी पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, ये सारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। वहीं टिहरी घूमने आए पर्यटक भी यहां आने से बहुत खुश हैं। पर्यटकों का कहना है कि यहां उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बार घर से बाहर निकली हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। यहाँ पे घर पे मध्य सब बोर हो गए थे, इरिटेट होने लगे थे, तो यहाँ पे आके तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के बाद ये पहला एक्सपीरियंस है और लगभग पहले जैसी सिचुएशन हो रही है। यहाँ सैनिटाइजेशन और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं।
एरीज नैनीताल के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल पर नया शोध किया है। वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रनील चट्टोपाध्याय और उनकी सहयोगी शिल्पा सरकार ने ब्लैक होल के विभिन्न समीकरणों के समाधान के तरीके की खोज की है। इस तकनीक से ब्लैक होल के बारे में आसानी से जानकारी हासिल की जा सकेगी। एरीज के वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रनील चट्टोपाध्याय ने कहा कि ब्लैक होल के आसपास का तापमान बहुत अधिक होता है और वो सभी वस्तुओं को निगल जाता है। ऐसे में ब्लैक होल संबंधी जानकारी हासिल करना मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि हमने एक थ्योरी तैयार की है जिससे ब्लैक होल संबंधी जानकारी हासिल करने में आसानी होगी। तो ब्लैक होल्स तो सुपर अट्रैक्टर्स हैं, तो सब कुछ निगल लेते हैं। तो लेकिन इसी चक्कर में ये जो मैटर आसपास जो मैटर है बहुत ही टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो इट एग्जिस्ट लाइक ए सूप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये जो इसको स्टडी करने के लिए जो इक्वेशंस चाहिए हमें, तो इक्वेशंस कम पड़ता है, वो पूरा सेट ऑफ इक्वेशंस नहीं है। तो हम लोग एक तरीका बताया है कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, कि हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया है और उनमें से हम लोग एंट्रोपी डिफाइन करना पड़ा है, क्योंकि वो ये जो सिस्टम है इसको टू टेम्परेचर रेजिम बोलते हैं। एरीज की शोधार्थी शिल्पा सरकार के मुताबिक ब्लैक होल के बारे में ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम लागू कर ब्लैक होल के समीकरणों का समाधान किया है। थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के अनुसार प्रकृति उन प्रक्रियाओं को चुनती है या पसंद करती है जो एंट्रोपी को अधिकतम करती हैं। हम लोगों ने ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है एंट्रोपी मैक्सिमाइज करने का एक फॉर्मूला दिया है, जिससे हम लोग ये डीजेनरेट सॉल्यूशंस में से एग्जैक्ट क्या सॉल्यूशन होगा वो सिलेक्ट कर पाए, और उससे हमें एक्चुअल स्पेक्ट्रम मिला। तो ये मेथोडोलॉजी फॉलो करके हम लोगों ने ब्लैक होल मतलब हाई मास ब्लैक होल, लो मास ब्लैक होल, मतलब ये सब डिफरेंट सराउंडिंग्स के हम लोगों ने काम किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने सोमवार को ब्रेन हैमरेज के एक मरीज का सफल इलाज किया। इस मरीज को पौड़ी से एयरलिफ्ट कर यहां लाया गया था। एम्स लाए गए पौड़ी गढ़वाल निवासी इस डॉक्टर का जब सिटी स्कैन किया गया तो पता चला कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया है। सोमवार को डॉक्टरों ने एंडोवैस्कुलर क्वालिंग तकनीक अपनाकर इस मरीज का उपचार किया। मरीज का इलाज करने वाले इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप बुढ़ाथोकी ने बताया कि इस प्रक्रिया में जांघ के पास 2.5 mm का सुराख करके वहां से नसों के जरिए कैथेटर को ब्रेन हैमरेज वाली जगह पर पहुंचाया गया और दिमाग के हैमरेज वाले हिस्से को क्वाइल किया गया। उन्होंने बताया कि मरीज अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि इस विधि से उपचार करने से मरीज जल्द रिकवरी कर सकेगा। इस ब्रेन एनुरिज्म का आज हमने सफलतापूर्वक इलाज किया। हमने एक आधुनिक तकनीक जिसको एंडोवास्कुलर टेक्निक कहते हैं उसके जरिए इस एनुरिज्म का इलाज किया। इस तकनीक में जान की नसों में छोटा सा छेद किया 2 से 3 mm का, और उस नसों के रास्ते से हम दिमाग की नसों तक पहुंचे और जो दिमाग की नस फट गई थी उसको हमने बंद किया। मरीज अभी खतरों से बाहर है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निवेश प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर टिप्पणी दी जाए ताकि इन प्रस्तावों पर तेज गति से काम किया जा सके। राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योग क्षेत्रों और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग और आवास विभाग की संयुक्त टीम बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को मानकों में छूट देने के लिए समिति को रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। बैठक में लगभग 543 करोड़ रुपये की लागत वाले 9 प्रोजेक्ट के औद्योगिक प्रस्तावों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 से जंग के लिए आयुष मंत्रालय ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा आयुर्वेद औषधियां रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक। अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। हॉल में क्षमता से 50% दर्शकों को ही मिलेगी अनुमति।
कुंभ मेले में संतों और अखाड़ों का सहयोग लेगी सरकार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ के दौरान कोविड 19 से बचाव पर दिया जोर। सुरक्षा और चिकित्सा के होंगे पुख्ता इंतजाम। और केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। कर्मचारियों और पुजारी की भी होगी सैंपलिंग। घोड़े खच्चर स्वामियों की गौरीकुंड में 8 अक्टूबर को होगी कोरोना जांच। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।